हर दिन पावन श्रृंखला की 14 दिसंबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं वीर बालिका शांति घोष व सुनीति चौधरी। आजकल त्रिपुरा भारत का एक अलग राज्य है, पर उन दिनों वह बंगाल का एक जिला तथा उसका मुख्यालय कोमिल्ला था। वहां के क्रूर जिलाधीश स्टीवेंस के हत्याचारों से पूरा जिला थर्रा रहा था। वह क्रांति वीरों को बहुत कड़ी सजा देता था, अतः क्रांतिकारियों ने उसे ही मजा चखाने का निश्चय किया। पर यह काम आसान नहीं था, क्योंकि वह बहुत कड़ी दो स्तरीय सुरक्षा में रहता था। कार्यालय का अधिकांश काम वह घर पर ही करता था। उससे मिलने आने वाले हर व्यक्ति की बहुत सावधानी से तलाशी ली जाती थी। उन दिनों कोमिल्ला के फैजुनसा गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती कल्याणी देवी थी। वे सुभाष चंद्र बोस के गुरु वेणी माधव दास की पुत्री थी। उनकी छोटी बहन वीणा दास बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन के वध के अपराध में 13 वर्ष का कारावास भोग रही थी। श्रीमती कल्याणी देवी बड़े प्रखर विचारों की थी तथा छात्राओं के मन में भी स्वाधीनता की आग जलाती रहती थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। श्रीमती कल्याणी देवी ने एक दिन कक्षा 8 की छात्रा शांति घोष एवं सुनीति चौधरी को अपने पास बुलाया। ये बहुत ही साहसी तथा बुद्धिमानी थी। इन तीनों ने मिलकर स्टीवेंस को मारने की पूरी योजना बनाई। 14 दिसंबर 1931 को शांति और सुनीति अपने विद्यालय की वेशभूषा में स्टीफेंस के घर पहुंच गई। दोनों ने अपने कपड़ों में भरी हुई पिस्तौल छिपा रखी थी। द्वार पर तैनात संतरी के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय की ओर से 3 मील की तैराकी प्रतियोगिता हो रही है, इसमें हमें जिलाधीश महोदय का सहयोग चाहिए। उन्होंने जिलाधीश महोदय के लिए एक प्रार्थना पत्र भी उसे दिया। संतरी ने उन्हें रोका और अंदर जाकर वह पत्र स्टीवेंस को दे दिया। स्टीवेंस ने उन्हें मिलने की अनुमति दे दी। उनके बस्तों की तो ठीक से तलाशी हुई, पर लड़की होने के कारण उनके शरीर की तलाशी नहीं ली गई। अंदर जाकर दोनों ने जिलाधीश का अभिवादन कर उनसे यह आदेश करने को कहा कि तैराकी प्रतियोगिता के समय नाव, स्टीमर, मोटरबोट आदि नदी से ना निकले, जिससे प्रतियोगिता ठीक से संपन्न हो जाए। स्टीवेंस ने कहा कि इस प्रार्थना पत्र पर तुम्हारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी के हस्ताक्षर नहीं है, पहले उनसे अग्रसारित करा लाओ, फिर मैं अनुमति दे दूंगा। शांति और सुनीति मौका देख रही थी। उन्होंने कहा कि आप यह कृपा कर इस पर लिख दें। स्टीवेंस ने कलम उठाई और लिखने लगा। इसी समय दोनों ने अपने कपड़ों में छिपी पिस्तौल निकाली और स्टीवेंस पर गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज सुनते ही बाहर खड़े संतरी और कार्यालय में बैठे लिपिक आदि अंदर दौड़े, पर तब तक तो स्टीवेंस का काम तमाम हो चुका था। सबने मिलकर दोनों बालिकाओं को पकड़ लिया। सब लोग डर से कांप रहे थे, पर शांति और सुनीति अपने लक्ष्य की सफलता पर प्रसन्न थी। दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शांति उस समय 14 और सुनीति 14.5 वर्ष की थी। अवयस्क होने के कारण उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी, अतः उन्हें आजीवन काले पानी की सजा देकर अंदमान भेज दिया गया। इस प्रकार दोनों वीर बालिकाओं ने अपनी युवावस्था के सपनों की बलि देकर क्रांति वीरों से हो रहे अपमान का बदला लिया। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।